लेकर आया हूँ आपके लिए। कैसा शो जहाँ होगी कविताओं की बात जहाँ होगी, हंसी की बात जहाँ होगी, ठाकुर की बात जहाँ होगी, अपनेपन की बात जहाँ होगी, मोहब्बत की बात जहाँ होगी, इबादत की बात जहाँ होगी, शहादत की बात जहाँ होगी, शरारत की बात, दोस्तों के लिए आज हमारे पास पांच कवि पर ठाकुर की महफिल में, और जो आज अपनी कविताओं से यहाँ पर आएंगे और छा जाएंगे, जिसमें मैं परिचय कराता हूँ। आज हमारे साथ पांच ऐसे लोग हैं जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी कविताओं को समझने की उम्र नहीं है, लेकिन कविताओं को पढ़ने समझने और उनमें रुचि रखने में आज के इस इंस्टाग्राम के युग में कविताओं को समझना बहुत मुश्किल काम है। साहित्य अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए आज वो ठाकुर की महफिल के मंच पे हैं। अभी से कुछ देर में वो होंगे आप सभी के बीच, तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते और बुलाते। तो अभी आप सुन रहे थे अरुण चक्रवर्ती को, जिन्होंने अपने कन्नौज की बात कही। कन्नौज वाकई कमाल का शहर है, आपने वहाँ की यादों को ताज़ा तरीन कर दिया। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं कैसे नाम को, जो कम उम्र में ज़्यादा धमाका करने की ताकत रखता है, और उसका नाम है उमंग यादव, जो हमारे बीच कानपुर से जोरदार कर रहे हैं। उमंग यादव। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और ठाकुर की महफिल इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया। और ये मेरा पहला मौका है जब मैं किसी मंच पर हूँ, माइक पर हूँ। तो चंद्रयान की सफलता पर देश के गौरव की बात करता हूँ और अपनी कविता की स्वागत करता हूँ कि इसके पहले जब विफल हुए ये दुनिया हम पर बरसी थी। क्या कहने, इसके पहले जब विफल हुए ये दुनिया हम पर बरसी थी, जो दृश्य देखने के खातिर वर्षों तक आंखें तरसी। क्या कहने उमंग, वाह वाह, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, संकल्पों से ऊंचा उड़ना दुनिया ने हमसे सीखा। क्या बात है उमंग, बहुत बढ़िया। गुरूर था उनको बहुत जो पहुंचे हमसे पहले हैं, गुरूर था उनको बहुत जो पहुंचे हमसे पहले हैं, हमने भी आज दिखा ही दिया, हम भी नहले पे दहले। आहा, क्या बात है, वाह। बचपन में सुना था जो किस्सा, ख्याल वही अब आया है, क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है। वाह। क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है। वैज्ञानिकों की दम पर, वैज्ञानिकों की मेहनत के दम पर इसरो ने ये बतलाया है, मेरे प्यारे भारत ने अपना परचम लहराया। क्या बात है, वाह उमंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कविता, जैसे कि सर हम आप बाहर देश विदेश घूमते हैं या कई कई जगह जाते हैं, लोगों का बहुत प्यार हम आपको मिलता है, लेकिन वो प्यार जो माँ हमारे लिए रखती है अपने दिल में, जो हमारे घर में है, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। स्वागत है। तो इस कविता इस प्रकार है कि प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, कभी रूठे हुए अपने को तुम यूं ही मनाओगे। क्या कहने वाह। कभी रूठे हुए अपने को जो तुम ही मनाओगे, कभी जो तुम जो टूटे या जो बिखरे तो जरा सुन लो, माँ की उस प्यार जैसा प्यार नहीं दुनिया में पाओगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया उमंग। क्या, तो अभी आप सुन रहे थे उमंग यादव को, जो कि कानपुर से आया और इतना खूबसूरत कहा, जिसने सुना, मैं तो बहुत खुश हूँ आज की ठाकुर की महफिल पर उमंग यादव की कविताएं निश्चित तौर पे चंद्रयान तक तो पहुँची गई होंगी। चंद्रयान पर अगर ना भी पहुँचे तो कोई बात नहीं, हमारे दर्शकों के दिलों तक तो ज़रूर पहुँची होंगी, इसके लिए हम उमंग यादव को बहुत बधाई देते हैं। पांच कवि जो इन्होंने खूब धमाल मचाया आपके साथ, जिनको लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ और मिलेंगे एक नए एपिसोड में, जिसका नाम है ठाकुर की महफिल।